हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह की 9 बज रहा है और मैं क्लास में आ गई हूँ। अभी कोई नहीं आया है क्लास में, थोड़ी देर बाद बच्चा आना स्टार्ट हो जाएगा। और आज हमारी ग्रुप डिस्कशन है, तो बच्चे वहाँ पे टेबल वगैरह सब ठीक कर रहे हैं। उनकी आज ग्रुप डिस्कशन है क्लास में, तो अभी क्लास करूँगी और फिर मेरी ब्रेक है, मैं रूम जाऊँगी, ब्रेकफास्ट करूँगी। तो मैं बैठी हूँ क्लास में, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, क्लास ख़त्म करके फिर रूम जाती हूँ और फिर आपकी कुछ क्वेरी का मैंने आंसर देना है। मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेरी आया है, तो उसका भी मैं आज रिप्लाई करूँगी। तो ये हॉस्टल की तरफ का जो रास्ता है उससे मैं जा रही हूँ, तो चलिए रूम पे चलते हैं। तो अभी मैं रूम पे आ गई हूँ और क्लास था सुबह 1 और आज एक साथ तीन तीन क्लास है, तो जाऊँगी मैं थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा गैप है बीच में। और बीच में मैं लंच करने भी जाऊँगी, तो आपको दिखाऊँगी कि आज लंच पे क्या क्या बना है। तो मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन देखा कि किसी ने पूछा है IBSET एग्ज़ाम के बारे में, तो IBSET में कोई पास या फेल ऐसा कुछ इशू है या नहीं। तो IBSET एग्ज़ाम में पास फेल का कोई ऐसा इशू नहीं है, आपको बस जितना मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है। तो अगर आपको हैदराबाद कैंपस चाहिए, तो अगर आप 70% अगर आपका होगा, तो मतलब 70 और 70 अबव अगर होगा तो आपको मिल जाएगा आराम से। अदरवाइज़ आप मे बी वेटिंग लिस्ट में रह सकते हो, अगर कैंपस चेंज होके अगर लास्ट तक आपका IBS हैदराबाद मिले तो। और दूसरे कैंपस के लिए वैसे ही परसेंटेज के हिसाब से ही कैंपस दिया जाएगा, आप प्रेफरेंस डालोगे अपना, 3-4 प्रेफरेंस होगा, आप कौन से कैंपस में जाना चाहते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उस हिसाब से जहाँ पे भी वैकेंसी होगा और आपका परसेंटेज जितना भी होगा उसके हिसाब से आपको कैंपस अलॉट किया जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि सपोज़ आपको पहला अलॉटमेंट में आपको पुणे मिला, तो ऐसा नहीं है कि आपको पुणे में ही जाना पड़ेगा। 15 डेज या 10 डेज बाद बार फिर से रीअलॉटमेंट होती है, जैसे जैसे ही कोई सीट वैकेंट होती है तो वो चेंज कर दिया जाता है। तो हो सकता है 15 डेज बाद आपका चेंज हो के आपका सेकंड प्रेफरेंस जो भी है, जैसे सपोज़ बेंगलोर, कोलकाता या जो भी है उस पर मिल जाएगा। फिर से 10-15 डेज के बाद अगर सीट खाली होता है तो फिर चेंज होता रहता है, तो आपको उसके लिए उनके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा कि कब होने वाला है नेक्स्ट अलॉटमेंट वगैरह। तो कोई पास फेल का कोई सीन नहीं है और आपको बस अच्छा परसेंटाइल लाना है IBSET एग्ज़ाम और फिर ग्रुप डिस्कशन और फिर पर्सनल इंटरव्यू। और सबके लिए हाँ सेम ही तो एग्ज़ाम है। सपोज़ अगर आपने कैट दिया है तो आपको IBSET एग्ज़ाम के लिए मतलब बैठने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधा कैट के परसेंटाइल के हिसाब से उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर आपको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू जो है वो तो देना ही पड़ेगा, बस IBSET एग्ज़ाम जो है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो होप कि आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हुआ थोड़ा बहुत। अगर और भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करूँगी। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ लंच करने, क्योंकि बहुत भूख लगा है, मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया और उसके बाद फिर मेरी तीन तीन क्लास है, मतलब हालत बहुत ही ख़राब होने वाला है। और फिर खाना खा के आऊँगी और फिर फ्रेश फ्रेश होके फिर तैयार होके क्लास जाती हूँ। और फिर आज मैंने लीव लिया है तो आज मैं घर जाऊँगी, क्योंकि जो रिलेटिव आए हैं थोड़ा सा उनको सिटी घुमाने का प्लान है, तो मैं भी कोई इनऑर्बिट मॉल वगैरह में जा सकती हूँ उनको लेके। चलिए अभी चलती हूँ, लंच करती हूँ और फिर क्लास के लिए निकलती हूँ। तो अभी मैं लंच करने के लिए आई हूँ और हस्बैंड आ रहे हैं, तो मैं उनकी वेट कर रही हूँ यहाँ पे। और ये आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो फूल है वो कितने प्यारे से लग रहे हैं और बहुत ही प्यारा कैंपस है। तो मैं अभी वेट कर रही हूँ, वो आएंगे तो हम एक साथ लंच
लंच करेंगे मैं। वहाँ पे एक छोटा सा शॉप है जहाँ पे आप अपना ज़रूरत का सामान जो है वो खरीद सकते हैं। और यहाँ पे एक स्टॉल लगा है मेस के सामने जहाँ पे डोसा वगैरह सब मिल जाता है, तो बच्चे खा रहे हैं और ये दिन भर रहता है रात। दाल सब्जी और सलाद और रोटी यही सब बटर मिर्ची है। तो चलिए फटाफट से खाते हैं और फिर निकलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं नॉर्विक मॉल पे। मैं बताई थी आज हमारा घूमने जाने का प्लान है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सजाया गया है मॉल को और पार्किंग बिल्कुल फुल है कि हम ढूंढ रहे हैं, और शायद पार्किंग का जो रास्ता है वो भी चेंज हो गया है तो हमें घूम के वापस जाना पड़ेगा। तो चलिए मॉल के अंदर चलते हैं, वो लोग भी साथ में हैं जो आए थे, उनको थोड़ा सा घुमाते हैं फिर थोड़ा सा खा पी के फिर ही घर पे चलते हैं। तो चलिए एंट्री करते हैं मॉल। तो हम जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से जो पार्किंग का जो रोड है वो क्लोज है, तो हम घुमा के फिर दूसरे तरफ से जा रहे हैं। तो मेन रोड के तरफ जाके आपको फिर लेफ्ट मोड़ना होगा तब जाके आपको पार्किंग का जो एंट्री है वो मिलेगा। तो अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं, फिर गाड़ी को पार्क करते हैं फिर मॉल में एंट्री करते हैं। अभी हम आ गए हैं, गाड़ी को यहाँ पे पार्क करेंगे। पूरा जो पार्किंग एरिया था वहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, पूरा भरा हुआ था, तो हमें एक स्पेस मिल गया। तो यहाँ पे गाड़ी को पार्क करके फिर मॉल के अंदर अपनी एंट्री करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा स्मार्ट बाज़ार है वहाँ पे जाएंगे और थोड़ा सा ऐसे ही घूमेंगे, कोई ऐसा प्लान नहीं है, कुछ ख़रीदने के लिए नहीं आए हैं, तो बस वैसे ही घूमेंगे और थोड़ा सा देखेंगे क्या क्या है यहाँ पे। तो ये पूरा बिस्किट का सेक्शन है, बहुत सारा ऑफर भी है और बहुत सारा बिस्किट है यहाँ पे। और इस साइड में आपको सारे नमकीन वगैरह ये सब मिल जाएगा। सामने ही चॉकलेट का सेक्शन है, वहाँ पर बहुत तरीके का आपको चॉकलेट्स वगैरह मिल जाएगा, ये नहीं पर सामने मैं दिखाऊंगी इसके बाद। और फिर आपको बहुत सारा चिप्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा, ऑफ़र भी होता है बहुत अच्छा अच्छा। तो आप अगर इनऑर्बिट मॉल के आसपास रहते हो तो आप यहाँ पे आके बिल्कुल शॉपिंग कर सकते हो, बहुत अच्छा प्लेस है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो जो सामने है वो लोग जो देख रहे हैं वही है चॉकलेट का सेक्शन, और मैंने कुछ ख़रीदा नहीं, बस ऐसे ही घूम के आ गई। वो लोग खरीदे थे इनको मैं लेके गई हूँ, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी चॉकलेट्स हैं यहाँ पे और काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है, तो आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हो।
और ये फिर से वो बिस्किट का सेक्शन और सामने होगा सब्ज़ी वगैरह। तो मैं जितना हो पाया उतना मैंने रिकॉर्ड किया, पूरा तो रिकॉर्ड करना मुश्किल है क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। तो आप देखते रहिए वीडियो। और ये यहाँ पे न्यू लगा है, पहले नहीं था। यहाँ पे लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं यहाँ बैठ कर, मैंने भी क्लिक किया और ये पहले नहीं था, न्यू लगा है। और ये कॉस्मेटिक्स का सेक्शन है, यहाँ पे वो मसाज होता है, फुल बॉडी मसाज, या फिर आप पैर का भी करा सकते हो, हेड मसाज भी होती है। और अगर आप घूमते घूमते थक जाओ तो यहाँ पे बैठ के आप रेस्ट कर सकते हो, थोड़ा गप्पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे लोग बैठते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ऐसे ही बैठ सकते हो। और यहाँ पे क्रिसमस के लिए यहाँ पे वो सजाया गया था, जहाँ पे सब बैठ के पिक क्लिक कर रहे हैं और हमने भी किया। बहुत अच्छे से मॉल को सजाया गया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये आप ऊपर देख सकते हो, बहुत सारा स्टार लगाया गया है और नीचे में भी एक क्रिसमस ट्री जो है वो सजाया गया है। और यहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो आप देख सकते हो वो बेबी बहुत ही प्यारा था। और यहाँ पे गिफ्ट बॉक्स टाइप का बनाया गया है, बहुत ही प्यारा था।
तो अभी हम घूमते घूमते थोड़ा सा वो फूड कोर्ट की तरफ आ गए हैं, थोड़ा सा चाय वाय पियेंगे क्योंकि हम घूमते घूमते थक गए, तो सोचा कि थोड़ा सा चाय पीते हैं। और हैवी कुछ नहीं खाएंगे क्योंकि घर जाके फिर से खाना खाना है, तो बस थोड़ा चाय बिस्किट वगैरह पियेंगे यहाँ पर। तो घूमते घूमते काफ़ी रात हो गया, अभी हम घर की तरफ निकल गए हैं और अभी हम रास्ते में हैं, घर जाएंगे, फिर थोड़ा सा खाना भी बनाना है। तो मैं तो बहुत ही टायर्ड हूँ, तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैं खाना बना लूँगा, तुम रेस्ट करो, तो देखती हूँ दोनों मिलके ही बनाएंगे। और अभी हम बस निकल गए हैं और पहुँच जाएंगे घर पर आधे घंटा या फिर 45 मिनट तक पहुँच जाएंगे घर। तो चलिए घर पे जाती हूँ और मैं फिर मिलती हूँ आपसे बाहर। तो हम घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हस्बैंड खाना बना रहे हैं, तो मैं बोली थी मैं बनाती हूँ पर उन्होंने मना किया। तो चलिए अभी फटाफट से खाना खाते हैं और फिर रेस्ट करते हैं क्योंकि कल बहुत सारा काम है। तो मैं आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।